खगोल ग्रहण भारतीय पंचांग पद्धति भारतीय खगोल ग्रहण खगोल विज्ञान का जन्म राशि चक्र कृषक एक खगोल विज्ञान बेबीलोन की सभ्यता को यहाँ दर्शाया गया है। ग्रीस यूनान का खगोल विज्ञान का आप सुंदर नमूना देख सकते हैं। फार्नेस एटलस प्राचीन काल का कोपरनिकस ग्रह की गति के बारे में अपना योगदान दिया मानता था। यहाँ पे भारतीय यंत्र को दिखाया गया है, इसमें से है गोल यंत्र। यूनानियों को सेना के गोले की जानकारी थी और भारत में इसका विकास यूनानी परंपरा से हटकर स्वतंत्र रूप से किया। भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मपुत्र भास्कर और परमेश्वर के कार्यों का निस्वरण विवरण प्राप्त होता है। सभी यंत्रों को दिखाया गया है। ग्रह की खोज को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह ग्रह को खोजा गया था। देखिए किस प्रकार ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो एक आकाशीय घटना होती है, उसी को ग्रहण कहा जाता है। यहाँ पे ग्रहण के बारे में दिखाया गया है, जो सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के ग्रहण को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। मैं आपको जीवन की खोज हुई। अंतरिक्ष समय वक्रता को यहाँ पे दिखाया गया है। गुरुत्वीय लेंस को यहाँ पे दिखाया गया है। बिग बैंग क्या है, इसी रहस्य को यहाँ पे दिखाया गया है। प्रकाश एक कथावाचक यहाँ पे रेड शिफ्ट के बारे में बताया गया है कि रेड शिफ्ट क्या होता है।
यहाँ पे डोपलर के प्रभाव को दिखाया गया है। तारा का जन्म और मृत्यु, दूरबीनों की यात्रा, गैलीलियो का दूरबीन, कोपरनिकस का ग्रह प्राप्ति रूप को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए किस प्रकार ग्रह गति है। टाइको का ग्रह प्रतिरूप को यहाँ पे दिखाया गया है। टेलीस्कोप ने दुनिया बदल दी। अरब का खगोल विज्ञान, प्रतिगामी गति,
यही है रांची स्थित तारामंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसकी खोज हुई और हम कैसे इसको अभी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में यह संपूर्ण जानकारी आप इस तारामंडल से पा सकते हैं। आप आए कभी और इस तारामंडल में इस तारों, ग्रहों और इसके बीच जो भी है सभी को जाने, यहाँ आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार ज़रूर आप इस तारामंडल को आएं और इस तारामंडल में एक बार ज़रूर इस तारामंडल के अंदर के अद्भुत दृश्यों को देखें। बहुत ही सुंदर वातावरण पर यह तारामंडल स्थित है। यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था है,